दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो एक सच पे आधारित है, यानी एक लड़की होती है वो प्यार प्रेम और मर्डर मिस्ट्री। तो आज की ये जो सच्ची घटना है हम इसी के ऊपर जानेंगे कि एक लड़की का मर्डर हो जाता है। मेरे जिस्म के हिस्से पे खूब नाखूनों के निशान थे और उनमें से खून झलक रहा था, ऐसी एक क्राइम स्टोरी आज हम बताने वाले हैं। अगर आप लोग इसे सुनोगे तो आपके रूह कांप जाएगी। दोस्तों ये बात दरअसल बिहार की है। बिहार की रहने वाली एक लड़की होती है, वो अपने सपनों के लेकर शहर में जाने की कोशिश करती है, यानी जैसे ही जवानी उनकी आती है तो वो अपने आज़ाद परिंदे की वो लड़की होती है, तो वो बाज़ार जाने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि हम मैं कहीं दूर दराज बाज़ार जाऊंगी और वहां पे काम करूंगी, पढ़ाई भी करूंगी, अच्छी नौकरी करूंगी, होटल में या कहीं पे रिसेप्शन की नौकरी करूंगी। लेकिन वो वहाँ से बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली वो होती है और आज़ाद ख्यालों की वो लड़की है। उसके गांव के अंदर काफ़ी पाबंदियाँ थी कि वो ऐसे छोटे कपड़ों में नहीं घूम सकती या फिर कहीं किसी से बात नहीं कर सकती, फेसबुक इंस्टा जैसी गूगल की साइड है वहाँ पे फोटोज अपलोड नहीं कर सकती। तो आज की ये जो सच्ची घटना है ये आप सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं दरअसल यूँ कि वो लड़की आज़ाद ख्यालों की होती है और वो धीरे धीरे शहर जाने की कोशिश करती है। तो शहर में चली जाती है वो दिल्ली के अंदर, दिल्ली में जाती है। दिल्ली में उसे क्षेत्र है, उसका नाम है नेहरू नगर, वहाँ वो रहने लगती है। तो वहाँ पे रहती है तो वहाँ पे उसे धीरे धीरे आस पड़ोस की जो लड़कियाँ थी वहाँ से उनसे दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती होने के बाद में क्या होता है दोस्तों आपको बताऊँगा। उनकी जैसे दोस्ती हो जाती है, दोस्ती के बाद में सिलसिला धीरे धीरे वो एक कॉल सेंटर के अंदर जॉब पा लेती है। अब कॉल सेंटर के अंदर जॉब पा लेती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो पढ़ाई भी करती रहती है और कॉल सेंटर में काम भी कर रही थी। अब दरअसल होता यूँ है कि वो जो कॉल सेंटर के अंदर काम कर रही थी तो वो थोड़ा सा माइंडली अपसेट रहने लगी क्योंकि पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी। बात दरअसल यूँ है दोस्तों कि वो जैसे कॉल सेंटर में काम करते करते वो थक जाती थी, इसके साथ में वो पढ़ाई नहीं कर पाती थी। तो वो फिर धीरे धीरे उसने वो जो पढ़ाई के ऊपर मन कम कर लिया, लेकिन इस जो उसका दिमाग जो अपसेंट था इसको सही करने के लिए वो लड़की सोचती है कि मैं किसी मेरे हम सफ़र बना लूँ या किसी का साथ पा लूँ। तो इसके बाद में वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर मतलब खोज करती है, अपनी पोस्ट डालनी स्टार्ट करती है, अपनी फोटोज डालती है, रील डालती है, स्टोरी डालती है। तो एक लड़का होता है जो वहीं के आसपास का ही था, उसका भी पूरी चीज़ें बताएंगे। वो उसकी फ़ोटो और उसकी रील्स पे लाइक किया करता था, कमेंट्स किया करता था। अब उसे ये लगा कि यार वो उसने जाके प्रोफाइल उसका चेक किया तो उसने ये सोचा कि हाँ कुछ ठीक है, स्मार्ट भी है और ये पैसे वाले भी लग रहा है। होता है दोस्तों ये सब के साथ। उसके बाद में उसने उससे बातें करनी स्टार्ट कर दी और बातें जैसे जैसे स्टार्ट उसने उसके पास में उसकी फ़ोटो को लाइक किया तो सामने मैसेज कर दिया उस लड़के ने। उसके बाद में बातें चलती रही। यूँ ही 2-3 महीने गुजर गए। 2-3 महीने गुजरने के बाद ऐसा होता है दोस्तों, वो लड़की जो होती है और जो लड़का होता है वो उसे बोलता है कि पार्टी करेंगे। तो लड़की का मन तो करता है लेकिन वो दूर दराज के इलाकों की थी तो उसको थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन जैसे जैसे 3-4 महीने का उनका चैटिंग चलता रहा, बातें होती रही, तो लड़की को विश्वास हो जाता है कि लड़की बोलती है चलो आऊँगी। तो वो एक रेस्टोरेंट में, सबसे पहले रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे वो हल्का फुल्का थोड़ा मीठा चिट्टा खा लेते हैं और फिर वो रूम पे चली आती है। ऐसे 2-3 बारी जाना आना हुआ। उसके बाद में उसने क्लब्स में बुलाना स्टार्ट कर दिया। तो लड़की का भरोसा था उस लड़के के ऊपर तो वो क्लब में भी चली गई। वहाँ पे डांस पार्टी हुई और लड़के ने उनके सामने बियर ऑफर की। तो लड़की मना कर देती है। तो उसके बाद में जो लड़का होता है उसने भी बियर नहीं पी, यानी वो भी उसके जो सच्चा प्रेम कर रहा था, प्रेम प्रसंग का ये मामला था, तो वो भी मना कर देता कि हम भी नहीं पियेंगे। उसके बाद में लड़की चली आती है। उसके बाद में रूम पे जैसे ही लड़की पहुंचती है तो उसके एक दिल में एक ऐसा कुछ ख्याल आता है कि यार मैंने उसकी बात नहीं मानी, उस पर उतना विश्वास करती थी, फिर भी वो उसने बोला कि थोड़ा सा पी लो, हमने नहीं पिया मेरी वजह से। वो भी क्योंकि ये आम जैसे क्लब्स में होता रहता है। उसके बाद में लड़की थोड़ी सी मायूस होती है और लड़के को कॉल करती है, माफ़ी मांगती है, सॉरी बोलती है। उसके बाद में लड़का कोई ना ओके सब कुछ कह देता है। उसके बाद में उनकी फिर से चैटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में एक दिन ऐसा आता है कि वो लोग जो है वो
फिर से क्लब्स में मिलते हैं, क्लब्स में मिलते हैं। उसके बाद में वो जो पहले का जो मामला हो चुका था बियर नहीं पीने का, उसके बाद में उसने थोड़ा थोड़ा बियर दोनों ने पी लिया। वो नशे की हालत में थी, लेकिन लड़के ने तब तक कुछ नहीं किया था। लड़का उसे नशे की हालत में घर पे छोड़ के आया था, क्योंकि जब भी पहली बार कोई ऐसा जो मदिरा पान करता है तो उसे नशा हो भी जाता है। तो रूम पे छोड़ के आता है, तो उसके बाद में लड़की को पूरा विश्वास होता है और लड़की कहती है यार ये तो वास्तव में मेरे से सच्चा प्रेम करता है। उसके बाद में वो खुद से ज़्यादा भरोसा उस पर करने लग जाती है। अब भरोसा जब से हम जैसे जैसे किसी पे करने लगते हैं, तो आपको भी पता है कि भरोसा करने वाली जो होती हैं, एक हमारे इधर की कहानी होती है कि भरोसे वाली भैंस पाड़ा ही लाती है। तो वैसे ही कहानी हो गई इसके साथ में। वो एक डरावनी रात थी, जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती है, वो थोड़ा मौसम जो था वो मौसम यानी थोड़ी ठंड थी थोड़ी गर्मी थी, बीच का मौसम था, सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में वो लड़का जो होता है लड़की के पास कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि हम आज एक पार्टी करेंगे, रेव पार्टी करेंगे, आज आप हमसे मिलने आओ, मेरे दोस्तों के साथ पार्टी होगी। तो पहले तो लड़की थोड़ी हिचकिचा जाती है कि दोस्तों संग पार्टी, मतलब उसके सवालों में कुछ उसको अजीब लगा था। तो उसने बोला कि दोस्तों संग पार्टी का क्या मतलब है? तो वो बोली मेरे दोस्त दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, उनके साथ में उनकी गर्लफ्रेंड्स भी आ रही है, तो आप भी आ जाइए। अब लड़की चली जाती है, क्योंकि लड़की तो खुद से ज़्यादा उस पर भरोसा करती थी। अब भरोसा तो करती थी भाई, लेकिन तब चली जाती है। तो वो एक दूर दराज के सुने जो जंगल होते हैं वहाँ पे एक रेस्तरा थी, वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे खूब मस्ती करती हैं। लड़के थे 7-8 लड़के थे उस, और उनके साथ में 2-3 लड़कियाँ भी थी। तो लड़की सोचती है, अपने आप को सेफ समझती है कि लड़कियाँ भी है और लड़के भी है, इनके फ्रेंड्स है। तो वो भी खूब मज़े से पीती है, खाती है और मज़े करते हैं, डांस करते हैं। अब होता यूँ है कि ये लगभग 11 बजे की बात है, नाइट की 11 बजे लड़की को थोड़ा नशा जो है ओवरडोज होने लगा था। अब नशा ओवरडोज होता है तो आँखें जो होती है वो घूमने लगती है, या नींद आती है, या यूँ समझे कि नशे का जो प्रभाव था वो उसके ऊपर हावी हो रहा था। उसके बाद में लड़की ने बोला कि मुझे सोना है, तो वहाँ पे रूम ऑलरेडी बुक थे, रूम ऑलरेडी वहाँ पे उस रेस्तरा में बुक थे। तो वो कहता है कि उस रूम में जाके सो जाओ। तो लड़की रूम में चली जाती है, लड़की सो जाती है, उस पे नशा हावी हो जाता है। और नशे की ऐसी जो है इस प्रकार से हावी होता है कि वो समझ भी नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसके बाद में वो घिनौनी रात 12-1 बजे की बात है, उसके साथ में वो दरिंदगी होती है, ऐसे ऐसे करते किए जाते हैं। करते होने के बाद में वो लड़की जो है कि दूसरे दिन दोपहर के लगभग 1-2 बजे तक उसके ऊपर नशा ही छाया हुआ था। तो वो 1-2 बजे उठती है, जैसे वो उठ खड़ी होती है तो वो देखती है सबसे पहले कि उसके कपड़े चेंज किए गए थे, यानी जो कपड़ों में वो थी वो कपड़े चेंज थे। एक उसके बाद में वो जैसे ही उठती है तो उसके शरीर के अंदर इस प्रकार से दर्द होने लगता है, उसका शरीर जकड़ा हुआ था और उसके जो प्राइवेट पार्ट्स थे वहाँ पे भी खूब दर्द हो रहा था। तो लड़की को कुछ समझ में नहीं आया, उसने उस लड़के को कॉल किया जो उसका दोस्त था, दोस्त कॉल नहीं स्विच ऑफ आ रहा था। तो वो सोची कहीं पता नहीं क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में वो इधर उधर जैसे जैसे ढूंढती है तो वहाँ पे जो उनकी पार्टी में एक लड़की थी वो उसे मिल जाती है। लड़की मिलती है, उसके बाद में दोनों बातें करती है। वो बताती है कि मेरे ऐसे ऐसे पता नहीं क्या हो गया, मेरा शरीर जकड़ा हुआ है, मेरे शरीर में पता नहीं क्या क्या हो गया और खून आ रहा है जगह जगह, जो नाखूनों से जो लड़के थे वो दरिंदे थे, उन्होंने उसके साथ में बहरमी से उसके साथ बलात्कार किया था, उसके साथ घिनौनी हरकतें की थी और उन्होंने अपने नाखूनों से उनके शरीर को काट दिया था, तो उसके शरीर से खून आ रहा था। तो लड़की जो मिली थी वो भी उसे बताती है कि देखो मेरी भी ऐसी ही हालत है, मैं ही तेरे से गई गुजरी नहीं हूँ, मेरी भी ऐसी ही हालत है, मेरे साथ में ही ऐसा घिनौना काम हुआ है। यानी तो फिर जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है कि क्या मामला हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे आप इसके संपर्क में आए। तो उसके बाद में वो दोनों जो लड़कियाँ बताती है कि एक ऐसा लड़का था जो जिस पे मैं खूब विश्वास करती थी, मेरे से ज़्यादा विश्वास करती थी, दोनों की सेम कहानी थी। उसके बाद में वो पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराती है और पुलिस स्टेशन में जाने पे उनको पता चलता है कि ये एक सातिर गैंग है, लड़कों की 7-8 लड़कों की सातिर गैंग है जो दूर दराज के इलाकों से यहाँ पे पढ़ने के नाम से या नौकरी के नाम से जो भी लड़की आती है उनको अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और फंसाने के बाद में उनके साथ में ऐसा करते करते हैं, ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं।
तो आप जो भी अभी मेरी ये स्टोरी देख रहे हो, अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता है, और होता है तो सरकार को क्या कानून बनाने चाहिए। द क्राइम स्टोरी की आज की ये लेटेस्ट खबर आपके लिए लेके आया हूँ। तब तक इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।